Yay! Happy birthday to you. Good evening. Welcome back to my new vlog. स्वागत है आप सभी को मेरे एक नई वीडियोस पे. सो गाइस, आज 17 तारीख है, अभी रात का टाइम है एकदम, और मैं छत ऊपर आके ब्लॉगिंग कर रही हूँ. तो गुड इवनिंग मीन्स बोलूँगी मैं, अभी तो गुड नाइट का ही टाइम है, बट मैं इवनिंग बोल रही हूँ आप लोग को, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है लगभग 10 बजने वाला है, मतलब बजा नहीं है, मतलब 9:30 आसपास हो रहा है. तो जस्ट अभी मैंने डिनर वगैरह किया, ठीक है, और मैं अभी सोच रही हूँ ना, कल गोलू का बर्थडे है तो खास बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है. मैं सोच रही हूँ ना, कुछ इस बार कुछ अलग करते हैं और कुछ यूनिक करते हैं, बैठ लेते हैं, सोच रहे हैं कुछ अलग करते हैं और कुछ यूनिक करते, ताकि गोलू को पता ना चले. मैं उसको कुछ अच्छा सा सरप्राइज देना चाहती हूँ, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसको क्या दूँ क्या ना दूँ. कर कहीं आ तो नहीं रहा है, मैं डर गई, नहीं तो मैं जो ब्लॉग बना रही हूँ उसको सारा चौपट हो जाएगा. तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ अभी चलते हैं दुकान की ओर, क्योंकि सामने में ही दुकान है, केक दुकान, ठीक है. तो हम सोच रहे हैं अभी चलते हैं आराम से, चल चल केक दुकान चलते हैं, ठीक है, और वहाँ से एक केक लाते हैं, ताकि रात को 12 बजे काटेंगे और उसको विश करेंगे, ताकि मैं चाहती हूँ कि इस बार उसको थोड़ा सा स्पेशल किया जाए. ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बेबी छोटा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ उसके पास नहीं कर पाऊँगी. तो मैं ज़्यादा आवाज़ दे के नहीं बोल रही, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं वो मेरा आवाज़ सुन लें, तो मेरा जो सरप्राइज़ का जो प्लान है सारा चौपट हो जाएगा. तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हो, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, रात को मैं ज़्यादा टाइम अकेले लड़की नहीं निकलना चाहिए, तो ज़्यादा टाइम अभी नहीं हुआ है, तो अभी 9:30 आसपास हो रहा है, तभी चलते हैं दुकान की. और चलिए आप सबके साथ चलते हैं, और केक भी पसंद करते हैं और लेके आते हैं घर पर, ठीक है. तो चलिए चलते हैं, और मैं अभी देखते हैं गोलू क्या कर रहे हैं. मैं बोलती हूँ गोलू के झूठ बोल के जाना पड़ेगा मेरे को, मैं अभी थोड़ा दुकान जा रही हूँ काम में करके. तो चलिए नीचे की ओर चलते हैं. क्या कर रहे हो गोलू? बाबू टीवी देख रहे हैं. अच्छा, टीवी देख रहे हो. मैं बोल रही थी, मैं थोड़ा सा दुकान से आ रही हूँ, ठीक है. ठीक, आ रही हूँ दो मिनट में, थोड़ा देर आती हूँ. और मैं क्या खून दे, मैं ब्रश ठूं, डर गई क्या. आ रही हूँ दो मिनट में, ठीक है, दरवाजा बंद मत किया रहना, आती हूँ. मैं अभी घर से निकल चुकी हूँ, ठीक है, कि मैं अब जा रही हूँ करके. तो चलिए नीचे की ओर उतरते हैं. बारिश की वजह से पूरा रास्ता भीग गया. अभी जो रास्ते पे मैं जा रही थी, देख सकते कुत्ता भौंकना मत. इस रास्ता पूरा खाली खलक लग रहा है, थोड़ा बहुत भीड़ है, दुकान उकान सब धीरे धीरे बंद ही हो रहा है. आगे मैं देख सकते दुकान उकान भी बंद है. सो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ मेन रोड में, और मेन रोड से अभी जा रही हूँ मैं दुकान की ओर. बस थोड़ा ही दूर बस पहुँचने ही वाली हूँ. थोड़ा डर भी लग रहा है, अकेले जा रही हूँ ना इसकी वजह से. कोई मतलब सब तरफ के लिए बस लोग ही लोग दिख रहे हैं, कोई भी लड़की वड़की दिख नहीं रही है, हम ही एक लड़की है जो जा रहे हैं अभी चल चल के. अंकल केक कैसे देगा? अच्छा, और ये ब्लैक वाला? तो जैसे कि देख सकते हैं आप, आ चुके हैं स्टोर के अंदर, और स्टोर के अंदर तो कुछ ज़्यादा अवेलेबल केक नहीं था. तो कुछ देख सकते हैं ऐसा तो कुछ ज़्यादा नहीं था, 6-7 पीस केक था. तो इसमें से मेरे को देख सकते हैं, इसमें से मेरे को बस वो ब्लैक वाला थोड़ा बहुत ठीक लगा, बाकी देख सकते हैं केक एकदम ही खाली है, ज़्यादा नहीं रहे. तो फाइनली मुझे एक केक पसंद आया स्पेशल गिफ्ट के लिए, क्योंकि वो ब्लैक वाला ही मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, जहाँ पे रोज वगैरह बना हुआ है. तो अब उस पर उसको मतलब थोड़ा बहुत जो काम करवाना होता है वो सब करवाते हैं. अब बोलते हैं अंकल कुछ को पैक कर दीजिए करके. आई होप कि गोलू को पसंद आई वाला, क्योंकि बहुत मुश्किल से पैक करके आए हैं. तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं मेरा केक जो है वो पैक होने वाला है ऑलमोस्ट. तो मैं फटाफट इसमें पैक करवाती हूँ, एंड बाकी जितना भी इसमें केक का है, मैं इसमें जो थोड़ा बहुत काम होता है, काम मीन्स जो नाम वगैरह लिखना होता है, जैसे कि मैं सोच रही हूँ इसमें क्या लिखाऊँ, हस्बैंड लिखवाऊँ, गोलू लिखवाऊँ, या अजय लिखवाऊँ, या फिर क्या लिखाऊँ समझ नहीं आ रहा है. बाबू तो ऐसा बहुत ओल्ड फैशन हो गया, और मैं उसको प्यार से इतना प्यार से बोलती भी नहीं हूँ कुछ. तो मैं सोच रही हूँ क्या लिखवाऊँ क्या लिखवाऊँ. तो मैंने फिर बोला ना कि एक काम कर दें, माय डियर हवी लिख दीजिए सबसे बेस्ट, और एक हैप्पी बर्थडे वाला जो है ना वो स्टिकर आप वहाँ पे ऊपर में चिपका दे, तो हैप्पी बर्थडे माय डियर हवी ऐसा होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो फिर मैंने वही बोला, और बोला कि कहाँ पे लिखना है, कौन सा साइड ज़्यादा बेटर रहेगा. तो मैंने बोला कि लेफ़्ट साइड में नीचे में लिख दीजिए, जो वाइट वाइट बूंदा बूंदा जैसे है ना. तो मैंने बोला कि बस उसी सामने में लिख दीजिए ना, थोड़ा आधा मतलब थोड़ा छोटा, ज़्यादा साइज़ में भी करके मत लिखिए,
ऐसा करके। तो ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है पैक इधर, ठीक है। और अब लेके अब चलते हैं। सो देख सकते हैं मैं अभी ना हाथ में आइसक्रीम भी खाते खाते मैं जा रही हूँ, सोचो टाइम पास हो जाएगा चलते चलते चलते। और एकदम ही पूरा सब तरफ दुकान वकान बंद हो रहा है, मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा है, बट कोई नहीं, हिम्मत करके जाएंगे घर। गाइस यहाँ पे जस्ट मैं अभी घर पहुँच गई, तो फटाफट दरवाजा भी खुला था, गेट भी बंद नहीं हुआ था, तो अभी फटाफट ऊपर की ओर चलते हैं देर ना करते हुए। सो गाइस फाइनली अभी घर पहुँच गए, सीढ़ी चढ़ते ही इतना थका हूँ, मैं पर थक गए, लाइन भी कट गया है, अच्छा ही हुआ है। तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं। दरवाजा खोलो, क्या हुआ बेटा, मम्मा को मिस कर रहे थे क्या? लाइन कट गया यार, लाइन कट गया। अच्छा ठीक है, चलो तुम बैठो, आते हैं हम थोड़ा सा हाथ पैर धो के। तो वही सभी मैं जस्ट ड्रेस वगैरह चेंज कर ली और अभी अपना नाइटी वाइटी पहन ली। और पता है मेरे को केक अंदर करने में बहुत दिक्कत हो रहा था, इसकी वजह से मैं क्या कि केक को बाहर में ही छोड़ दिया था जैसे ही घर पहुंचा उसके बाद। फिर अब मैंने केक को लेके ऊपर में इधर साइड में रखी हुई हूँ, गोलू उधर बैठा, अभी अभी जस्ट लाइन आया। और मैं नीचे में ब्लॉगिंग भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, थोड़ा बैठ के ही बात करते हैं। नीचे में मैं ब्लॉगिंग भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा क्या कि कोई बात नहीं ऊपर जाके फिर आप लोग से बात करते हैं। पता है मैं इतना जल्दी जल्दी गई इतना, और फिर जल्दी जल्दी मैं मतलब ऐसा लग रहा था ना अगर लेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली गोलू बोलेगा इतना रात में तुम गई क्या लेने के लिए, और बोल भी रहा था कि तुम क्या लेने गई थी। तो हम बोले कि बस ऐसे ही गए हुए थे दाल लाने के लिए, नहीं था तो ऐसा करके। तो फिर हम उसमें भी बोलते हैं कि ठीक है अब फिर आ गए जल्दी जल्दी, पूरा थक जा रहे हैं। और बारिश का मौसम है गाइस, पूरा कितना ज़्यादा थक गए। कोई बात नहीं, अब इंतज़ार है बस और दो घंटे का, बस अभी तो 10 बज रहा है गाइस, आधे घंटा लग गया मेरे को, आधा घंटा ही समझ लीजिए, मतलब 10 मिनट जाना और 10 मिनट वहाँ पे खड़े होकर टाइम वेस्ट करना। टाइम वेस्ट मीन्स गोलू के लिए थोड़ा केक वगैरह लेते हुए, तो अभी 10 बजने वाला है, तो फिलहाल 10 बज ही चुका है बोलिए, तो अब दो घंटे उसके बाद गोलू को मिलता है सरप्राइज। तो अब चलते हैं नीचे की ओर, नहीं तो फिर गोलू को डाउट हो जाएगा कि आखिर मैं कर क्या रही हूँ आज, कहीं उसको प्लान के बारे में पता ना चल जाए। जा रहे हैं नीचे की ओर, नहीं तो गोलू को पक्का शक हो जाएगा कि मैं पक्का ही पक्का कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रही हूँ बोल के। अच्छा लाइन आ गया, मेरा बच्चा टीवी देख रहा है, लाइन आ गया बोल के। हाँ बेटा। सो गाइस अभी 12 बज के भी ज्यादा हो रहा है, एक्चुअली हम सो गए थे उसकी वजह से ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं। फिर मैं मैंने गोलू को फिर उठाया, विश किया, और उसको पता नहीं है कि केक वगैरह भी कुछ कटिंग करना है कल के, तो चलिए चलते हैं गोलू के पास। बोलो उठ जाओ यार, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, सरप्राइज है, उठो उठो उठो, अरे उठो ना। सेंटर है, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। केक भी कटने वाला है, ओह माय गॉड, देख रहे हैं। थैंक यू। अब नींद के मारे सब कुछ सो गए थे, कैसे लग रहा है, हम भी ऐसे सो गए पता ही नहीं चला था। नींद आ रहा है यार अभी। चलो ना काटते हैं उसके बाद सो जाओ थोड़ा सा, चलिए। सो केक पसंद आया कि नहीं तुमको? बहुत मस्त है। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है? माय डियर हबी। सो माचिस लो, कट करो जल्दी जल्दी। बस बस इतना ही छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो अभी अभी उठ रहा है, अभी उठ रहा है, भी खुल गया थोड़ा 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 थोड़ा। उठ जा बेटा, पापा का बर्थडे है। ये थैंक यू।
हम भी खिलाते हैं थोड़ा सा। ये खिलाते ये बर्थडे बॉय नींद में कैसे हो रहा है? हैप्पी बर्थडे। लगाने नींद रहा है, ऐसा कैसे होता है? ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा तुम केक कब लाए? अरे जिसने मुझे बोला ना कि दुकान जा रहे थोड़ा सा रुको करके, उसने बोला 10 बजे आसपास। अच्छा तो हम जाके ना लेके आ गए थे, क्योंकि हम सोचे ना कि सामने में दुकान है तो चल जाते, किसी को पता तक से नहीं चलेगा करके। मुझे तो पता भी नहीं था कि केक लाने वाली है ऐसा कुछ, तो अच्छा लगा। वैसे तो मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने का कुछ सोचे नहीं है अभी तक से, पर ये छोटा सा सेलिब्रेट अच्छा लगा। और क्या बोलेंगे, मतलब क्या है ना कि शायद हम लोग मना भी सकते हैं और ना भी मना सकते, क्योंकि थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत चल रहा है इसकी वजह से सोच रहे अब क्या होता है क्या नहीं। तो फिलहाल मैंने सोचा ना कि कम से कम एटलीस्ट रात का टाइम तो मैं छोटा सा सरप्राइज तो दे ही सकती हूँ गोलू को, जितना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ इजीली, तो इसलिए मैंने सोचा कि दे देते एक सरप्राइज। तो फिलहाल देखो गोलू का केक भी कट लिया और वो खुश भी है और नींद भी उसको बहुत आ रहा है और मेरे को भी कहीं ना कहीं नींद आ रहा है, तो मैं भी अब सोने जा रही हूँ। जन्मदिन का ढेर ढेर शुभकामनाएं, अच्छा से रहो, मेरे साथ रहो, खुश रहो, आगे बहुत सारा तरक्की करो और ऐसे ही हर साल बर्थडे मनाते हैं साथ में, ठीक है? और देने के लिए मेरे पास तो फिलहाल कुछ है नहीं। जो है कुछ नहीं, तुम है ना, और क्या चाहिए। वाह क्या लाइन है यार। देख रहे हैं मतलब फिर भी खर्च खर्च के खा ही रहे हैं। थोड़ा सा केक गिर गया यार, तो मन क्या खाने का। सो गाइस आप लोग भी विश कर दीजिए फटाफट गोलू को, कैसा लगा कैसा नहीं, क्योंकि ये छोटा सा था ना, मैं चाहती थी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेशल हो, बट अकेले में मेरे से जितना हो पाया मैंने बहुत इतना किया, थोड़ा सा मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ कैसा ना करूँ, ऊपर से सो भी गई थी मैं, आधे घंटे लेट विश कर रही हूँ मैं गोलू को, गोलू भी सो गया था, है ना? कोई बात नहीं, तो हो जाता है थोड़ा देर, वैसे भी थोड़ी हो, 12 बजे रात को पैदा हुआ था, बस डेट के लिए अब हो गया वो कल का, बट पैदा तो हुआ था ऐसे 6 बजे आसपास पैदा हुआ था आई थिंक ना, पता नहीं नहीं। हो सकता है सुबह पैदा हुआ था, कोई बात नहीं। चलिए अब केक को फोल्ड करके रख दीजिए, ये केक को फोल्ड करके रख रहे हैं क्योंकि अब सो जाते हैं, रात भी बहुत हो गया है, और वैसे तो बर्थडे तो वैसे भी सुबह ही मंदिर वगैरह कुछ जाएंगे जो है करेंगे, तो फिलहाल चलिए आई होप कि हमारी ये रात का ये बर्थडे जो भी है सेलिब्रेट किया अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, और आज जैसे कि पता होगा ये वाला व्लॉग मैं तो ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा आई थिंक, और आप लोग लंबा व्लॉग देखते वक्ते भी नहीं है, तो कोई नहीं देखिएगा, मैं और भी अच्छा अच्छा व्लॉग्स आने वाला है करके, ठीक है?